गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा हम पढ़ रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच, तो ये रिपोर्टेड स्पीच कल हमने चेंजेस देखे थे। फर्स्टली जो चेंज किया था वो था रिपोर्टिंग वर्ब का। सेकंड चेंज जो था वो था कंजेक्शन चेंज। थर्ड चेंज इज प्रोनाउन चेंज एंड फोर्थ चेंज इज टेंस चेंज। टेंस चेंज की जहाँ हम बात कर रहे थे वहाँ पर हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस जो है वो टोटली पास्ट टेंस में चेंज होता है। प्रेजेंट सिंपल कन्वर्ट इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, वो हमने वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बेस पर देखा था। हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस टोटली पास्ट टेंस में चेंज हो चुका। अब पास्ट टेंस की वर्ब को लेते हैं, वाज। पास्ट टेंस की वर्ब को लेते हैं, अब पास्ट टेंस की बात करते हैं। कल तक हमने प्रेजेंट टेंस को देखा था, अब पास्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इट मींस पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब ये किस में चेंज हो जाएगा, हैड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट सिंपल कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं क्योंकि बिकॉज वी यूज डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब, हम लोग वहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं। डिड देन नॉट एंड देन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट ये नेगेटिव है तो हैड नॉट एंड देन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया पास्ट सिंपल टेंस। अब है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस वी यूज द हेल्पिंग वर्ब वाज और एंड वर एंड द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लेते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। सो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन एंड द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट सिंपल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। इसीलिए यहाँ इन यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का रिपोर्टेड स्पीच यानी कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए नहीं आता है। अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है विल, तो विल को चेंज कर देते हैं वुड में। शैल चेंज इनटू शुड, ये मॉडल ऑक्सिलरी भी हो गई। अब एज अ फ्यूचर टेंस हम इन दोनों वर्ब की ऑक्सिलरीज की बात करते हैं, तो विल चेंज इनटू वुड एंड शैल चेंज इनटू शुड। अब बात करते हैं मॉडल्स की। मॉडल्स जो है मॉडल ऑक्सिलरीज की, मे चेंज इनटू माइट, कैन चेंज इनटू कुड। मे चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय माइट में, कैन चेंज हो जाएगा कुड में इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। मॉडल मस्ट चेंज इनटू हैड टू। मॉडल मस्ट जो है, मॉडल ऑक्सिलरी जो मस्ट है वो चेंज हो जाएगी हैड टू में। तो ये थे टेंस चेंज। पास्ट टोटली प्रेजेंट टेंस, द फोर पार्ट्स ऑफ
present tense convert into past tense in to make indirect speech, यानी indirect speech बनाने के लिए, and past simple tense change into past perfect tense, and past continuous tense is change into past perfect tense, past perfect continuous tense. अब will and shall, will is change into should, shall is change into should, may change into might, can change into could, and must change into had to. तो ये थे tense change. Tense change is the fourth changes to make indirect speech. और fifth change जो है, fifth change है, we call it, हम उसको कहते हैं fifth change को time and distance change. Time and distance change. Let me see the time and distance change to make indirect speech. Indirect speech बनाने के लिए, indirect speech बनाने के लिए हम time और distance change कैसे करेंगे? Time and distance change. Fifth change and the last change, time and distance change. टेबल बनाते हैं डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच अगर हेयर, यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा देयर. यहां पर दिस चेंज इनटू दैट, दीज चेंज इनटू दोस, टू डे या फिर टू नाइट चेंज इनटू दैट डे एंड दैट नाइट. दस ये हो जाएगा शो में चेंज. एगो चेंज इनटू बिफोर, बिफोर में चेंज. और yesterday change into the last day ya fir the previous day. Here change into there in indirect speech. This change into that in indirect speech. These change into those in indirect speech. Today or tonight change into day, that night. Thus change into show. Ago change into before. Yesterday change into the last day and the previous day. और उसी तरह से यदि tomorrow आता है, यदि tomorrow आता है, change into the next day, next day ya fir the following day. ye the changes, yahi changes hain time aur distance change ke liye. time aur distance change ke liye ye sare changes. Let me start the rules of the reported speech sentence wise. हम लोग sentence wise reported speech शुरू करेंगे कैसे? Firstly we see the assertive sentence. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं assertive sentence की. Assertive sentence. जैसा कि पहले बताया जा चुका है assertive sentence मतलब कौन से सेंटेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस. अब कुछ रूल्स हैं यहाँ पर, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं. ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही राइट, ही राइट्स
a letter. Inverted comma, close. सबसे पहले हम लोगों को देखना है, सबसे पहले जो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज जो है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए, वो सबसे पहले आपको देखना है, आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि उसी के बेस पर सारा रिपोर्टिंग वर्क सॉरी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो। सबसे पहले देखना है आपको कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, वो क्या है। टेंस नहीं, टेंस हम बाद में देखेंगे, पहले सेंटेंस कौन सा है, क्योंकि हम एसर्टिव सेंटेंस की जहाँ बात करते हैं तो एसर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। एसर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजक्शन लगाते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आया हुआ जो सेंटेंस है वो क्या है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आया हुआ वाक्य है वो कौन सा है, एसर्टिव है। एसर्टिव मतलब यहाँ पर कौन सा है, पॉजिटिव है। तो एसर्टिव सेंटेंस है। अब सबसे पहला द फर्स्ट चेंज, अब आपको ध्यान रखना है हर किसी भी प्रकार का सेंटेंस क्यों ना हो उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि सेंटेंस कौन सा है। और सबसे पहला जो चेंज है, फर्स्टली वी चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग द रिपोर्टेड स्पीच, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू है तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू को किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में। और कंजेक्शन क्या लगाया जाता है, थर्ड चेंज। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वी चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब, देन वी चेंज द कंजक्शन, एंड द थर्ड चेंज इज प्रोनाउन चेंज। तीसरा चेंज जो है वो कौन सा चेंज है, प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज ही, अब हमको देखना है ही प्रोनाउन, ही कौन सा पर्सन, ही इज थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, नो थर्ड पर्सन्स आर नॉट चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते, तो ही थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, इसीलिए ही का क्या रहेगा, ही रहेगा। अब हमें द फोर्थ चेंज इज टेंस चेंज, टेंस चेंज करना है। यहाँ हमने देखा कि दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, एंड एस विद एस एंड ईएस, ही इज सिंगुलर पर्सन, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वी यूज एस और ईएस। अब यहाँ पर ये एस और ईएस मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंज इनटू पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल पहले टेंस रिमेंबर होना, याद होना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो ही मेन चीज है टेंस को पढ़ने के लिए, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, आपको याद रखने के लिए। अब ये एसर्टिव सेंटेंस है, एसर्टिव ही रहेगा। तो राइट्स, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस मतलब सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रॉट। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रॉट अ लेटर। इन सेंटेंस में देयर इज नो टाइम एंड डिस्टेंस चेंज, टाइम और डिस्टेंस चेंज इस सेंटेंस में नहीं है, तो ये बन गया कि द, ये बन गया हमारा और इनडायरेक्ट स्पीच। अब बात आती है सेंटेंस की, एसर्टिव सेंटेंस के कुछ रूल होते हैं। एसर्टिव सेंटेंस के कुछ रूल क्या होते हैं, द फर्स्ट रूल इज, पहला रूल क्या है, इफ और रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट टेंस, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है, इफ और रिपोर्टिंग वर्ब इन इज इन प्रेजेंट टेंस, यानी कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है और फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस में होती है, सो द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच शुड नॉट बी चेंज, यानी कि हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना चाहिए। मतलब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। कैसे, उदाहरण देखिएगा, इस सेंटेंस को हमने इसी सेंटेंस के बेस पर इस रूल को समझते हैं, ही सेज टू मी, अब हमने सेड की जगह क्या लगाया, सेज लगाया, से इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेड, ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही राइट्स अ लेटर,
writes a letter. He says to me, he writes a letter. अब यहाँ पर क्या है ये? Reporting verb कौन से tense में, कौन सी form है? First form. First form means present tense. तो present tense में है तो says to को reporting verb change कर रही है. Conjunction add करना है, conjunction लगाना है. अगर time और distance change दे रखा है तो वो करना है. लेकिन reported speech का only tense change नहीं होगा. केवल इस बात का ध्यान रखना है कि says to किस में change हो जाता है? Tells में. Reporting verb changes का केवल याद रखना है कि says to को हम किस में चेंज करते हैं? Tells में. ये हो गया me. और conjunction present, ये assertive sentence में conjunction क्या लगता है? That. ये third person is not changed. हो गया ये. अब यहाँ पर हम लोग दे, जैसे इस sentence में present simple को past simple में बदला, क्योंकि हमारी reporting verb यहाँ पर past simple में थी, यानी कि past tense था इसीलिए. लेकिन इस sentence में हमारी reporting verb present tense में है, तो यहाँ पर tense change नहीं होगा. Tense change नहीं होगा तो he writes a letter. ऐसा था ये sentence. मान लीजिए कि यहाँ पर आई है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा. ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग याद रखना है. ये था एक रूल. अब इस सेंटेंस को हम ये लिखते हैं, ही विल से टू मी, ही विल से टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ही राइट्स अ लेटर. अब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर सिंपल टेंस में है. फ्यूचर टेंस कैसे पहचानेंगे? विल एंड शैल एंड देन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फ्यूचर सिंपल टेंस में है, यानी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर सिंपल टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पर ही विल से है, ही विल से का क्या रहेगा? ही विल से टू मी, ही विल से टू को चेंज करेंगे अपन यहाँ पे, ही विल टेल मी, ही विल टेल मी, कंजक्शन क्या हो जाएगा? दैट. से टू को चेंज किया, क्या हो जाएगा? ही विल टेल मी दैट. अब ये थर्ड पर्सन नो चेंज, और ये यू का यू ही आएगा, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में है, इसीलिए हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा. ये था रूल. ही, एक बार रिवाइज करते हैं, पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो टोटली चेंजेस होगा, यानी टेंस चेंज भी होगा. लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, इफ आवर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, सो वी शुड नॉट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा टू मेक इनडायरेक्ट स्पीच. ये एक है. अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की. फैक्ट्स में हमने पहले टेंस में भी पढ़ा है कि फैक्ट्स जो हैं, फैक्ट्स यूनिवर्सल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट, वो सारे फैक्ट, उसमें हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं. प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं. और यहां पर फैक्ट बात करते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रुथ की, यानी सार्वभौमिक सत्य कथन की. सार्वभौमिक सत्य कथन हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही उसका यूज किया जाता है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस सार्वभौमिक सत्य कथन के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए यूज किया जाता है. अब बात आती है रिपोर्टेड स्पीच की. द टीचर, वी सी एन एग्जांपल, द टीचर सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा द सन rises in the east. The sun rises in the east. The teacher said. Firstly, सबसे पहले बार बार मैं कहती हूँ कि हम लोगों को
सबसे पहले अगर इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आए हुए वाक्य को देखना है कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किस सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एडजेक्टिव सेंटेंस, एडजेक्टिव सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो क्या हो जाएगा, सेड को आप किसी में चेंज नहीं करेंगे। सेड का क्या रहेगा, हमने प्रोनाउन चेंज देखा था, सेड का क्या रहेगा, सेड कंजेक्शन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम लोग कंजेक्शन पुटअप करेंगे सेड। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा चेंज, कंजेक्शन हमारी चेंज। अब हम लोग करते हैं प्रोनाउन चेंज। अब यहाँ पर प्रोनाउन की जगह हमारे पास है नाउन, द सन, आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन, यू ऑनली थर्ड पर्सन एंड द अदर्स आर, यू इज सेकेंड पर्सन एंड अदर्स आर थर्ड पर्सन, अदर्स आर थर्ड पर्सन, अदर्स द सन नाउन हो गया, तो ये भी थर्ड पर्सन, नाउन एंड नेम ऑल्सो थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, द सन। अब आती है टेंस की चेंज की बात, टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि रूल क्या है, व्हाट इज द रूल, इफ और रिपोर्टेड स्पीच इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वी कैन नॉट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, द सन और राइजेस इन द ईस्ट, वैसा का वैसा ही। ये कौन सा है, यूनिवर्सल फैक्ट यानी कि सार्वभौमिक सत्य कथन। अब एक फैक्ट हो गया ये, द सेकंड फैक्ट, सेकंड फैक्ट है जिसको हम रूटीन या हैबिचुअल फैक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैबिचुअल फैक्ट, हिंदी में इसको कहा जाता है आदतन तथ्य, आदतन तथ्य कहा जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच, वही बात आती है, इफ और रिपोर्टेड स्पीच इज हैबिचुअल फैक्ट, एक हैबिचुअल फैक्ट है, तो हमें वी शुड नॉट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है। हम देखते हैं एक सेंटेंस, शी सेड टू हर फ्रेंड्स, शी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई गो टू, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोजाना स्कूल जाती हूँ। सी सेड टू हर फ्रेंड, उसने उसकी दोस्त से कहा कि मैं रोजाना स्कूल जाती हूँ। शब्द आया है यहाँ पर डेली, डेली मतलब रोजाना, रोजाना उसका एक हैबिट है, उसका एक आदतन बन चुका है, एज अ हैबिचुअल फैक्ट आ गया। या फिर आई गो टू मार्केट एवरी वीक, मैं हर हफ्ते बाजार जाती हूँ, तो ये उसका रूटीन है, उसकी हैबिट है, ये हैबिचुअल फैक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा यानी कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। लेट मी सी द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, सी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज सेड टू, चेंज इन टू टोल्ड, और ये हो गया हर फ्रेंड, कंजेक्शन क्या लगाएंगे, दैट, कंजेक्शन हो गया दैट, देन आई इज फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इज चेंज इन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, शी, तो आई किस में चेंज हो जाएगा, सी। अब हमें यहाँ पर टेंस चेंज नहीं करना है क्योंकि और रिपोर्टेड स्पीच इज अ हैबिचुअल इन प्रेजेंट टेंस, या हम ये कह सकते हैं इज अ हैबिचुअल फैक्ट, ये एक हैबिचुअल फैक्ट है। अब शी, आई इज कॉमन प्रोनाउन, आई के साथ ऐसे ही स्वर के फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगाया जाता, सिंगुलर पर्सन के साथ लगाया जाता है, सी इज सिंगुलर पर्सन, इसीलिए यहाँ पर गो का क्या हो जाएगा, गोज टू स्कूल डेली, ये हो जाएगा।
आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद में गो आई के साथ गो, आई कॉमन प्रोनाउन में है, ऐसे एलियस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई के साथ नहीं लगता। और यहाँ पर आई को हमने कन्वर्ट किया सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, यहाँ पर आया सी और सी इज अ सिंगुलर पर्सन, सो वी यूज ई एस और एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी हमारे पास गो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके पीछे आपने क्या लगाया, ई एस लगाया, देन फिर वो सेंटेंस ऐसे लिखा। तो यूनिवर्सल फैक्ट में और हैबिचुअल फैक्ट में वी शुड नॉट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब थर्ड फैक्ट इज साइंटिफिक फैक्ट, थर्ड फैक्ट इज साइंटिफिक फैक्ट, यानी कि कोई वैज्ञानिक कथन होता है उसमें भी टेंस चेंज, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। लेट मी सी द एग्जांपल, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, इनवर्टेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो एक साइंटिफिक फैक्ट यानी कि एक वैज्ञानिक कथन है कि बर्फ जो है वो मेल्ट्स इनटू वाटर, यानी कि बर्फ जो है वो पिघल कर क्या रूप ले लेती है, पानी का रूप ले लेती है। इसके पीछे रीजन है, तो रीजन है एक वैज्ञानिक रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। तो हमारा यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, मतलब एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो सैड को हम चेंज नहीं करेंगे, सैड रहेगा, कंजेक्शन क्या लगाएंगे एसर्टिव सेंटेंस में, डैट और ये सारे एसर्टिव सेंटेंस, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, देयर इज नो चेंज इन टेंस, टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, टेंस में कोई भी तरह का चेंज नहीं होगा। ये है एसर्टिव सेंटेंस। अब एक एग्जांपल और एसर्टिव सेंटेंस का करके देखते हैं, एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, दो रूल हमने यहाँ पर कवर किए हैं इन एसर्टिव सेंटेंस में। द फर्स्ट रूल क्या है, इफ और रिपोर्टिंग वर्ब, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो और फ्यूचर टेंस में हो, वी शुड नॉट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। एंड इफ और रिपोर्टेड स्पीच इज अ साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट, सो वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। मतलब कि हैबिचुअल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट या फिर साइंटिफिक फैक्ट हो तो भी हमें हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना चाहिए। अब एक सेंटेंस देखते हैं एसर्टिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस। माय मदर टोल्ड मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा, माय मदर टोल्ड मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू, माय मदर टोल्ड मी यू ईट दिस मैंगो। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम यह आम खाओ। अब एक तरफ से हम ये देखें कि ये सेंटेंस माँ ने आदेश दिया, ऑर्डर दिया। इस सेंटेंस को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस में भी ले सकते हैं, आदेशात्मक वाक्य में, लेकिन एक एसर्टिव सेंटेंस वी ईट, हम यहाँ नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं वी, यू डू नॉट, यहाँ रखते हैं ईट, वी डू नॉट ईट दिस मैंगो, तुम ये आम मत खाओ। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे, द मदर टोल्ड दे रहा है, टोल्ड चेंज नहीं होगा, द मदर टोल्ड मी, कंजेक्शन क्या लगाएंगे, दैट, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ऑब्जेक्ट है मी और यहाँ पर क्या दे रखा है, यू, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। अब यू का हम लोग यहाँ पर की जगह क्या करेंगे, पुटअप आई करेंगे। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती है तो वो प्रोनाउन चेंज जो टेबल है उसको आपको याद रखना है, आई मी माय। अब यहाँ पर हमको किसको चेंज करना है, यू को। आप इस तरह से एक टेबल बनाया हुआ है उसको देखिए, आई मी माय यू योर, यू
सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मी, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है। एक सेंटेंस में आने वाला पहला नाउन या प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है, तो हमें यहाँ पर मी का सब्जेक्टिव केस लगाना होगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है? आई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई आई। फिर हम लोग करेंगे टेंस चेंज, टेंस चेंज करेंगे क्योंकि हमारे पास ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है? पास्ट टेंस में है। तो क्या हो जाएगा? आई पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो आई डिड नॉट ईट दिस का क्या हो जाएगा? दैट टाइम एंड डिस्टेंस चेंज के अकॉर्डिंग। दोबारा देखिए, टोल्ड को चेंज नहीं करना, टोल्ड हो गया। इन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन लगाया दैट यू इज सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारे पास मी, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो मी यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो मी का सब्जेक्टिव केस पुट अप करेंगे। मी का सब्जेक्टिव केस क्या है? आई। तो ये आई अब करेंगे टेंस चेंज, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो डू नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, और इन पास्ट सिंपल टेंस वी यूज द हेल्पिंग वर्ब डिड। हम डिड का उपयोग करते हैं। Did not, then first form of the verb. Did not eat. This को convert करेंगे that में, अभी बताया था time and distance change के अंदर, जिसका क्या हो जाएगा? That mango. ये बन गया ऐसे। ये थे assertive sentence. और इस tenth board में assertive sentence के बतौर इसी तरह से वाक्य पूछे जाते हैं। और अब हम आगे चलते हैं interrogative sentence की ओर। Interrogative sentence मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट क्या होते हैं? जो कि किसे शुरू होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। दूसरे होते हैं WH वर्ड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो शुरू होते हैं स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब्स एंड अदर्स स्टार्ट विथ WH वर्ड्स। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और WH वर्ड से शुरू होने वाले, इस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाले सेंटेंस को कहा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहा जाता है यस नो आंसर, यानी कि जिसमें हम जिसका उत्तर हम लोग किस में देते हैं? यस या नो में आंसर देते हैं। अब हमने इसे पढ़ा था, पहले से ही देख लेते हैं कि कंजेक्शन के रूप में हम लोग इफ का प्रयोग करते हैं या फिर किसका करते हैं? वेदर का प्रयोग करते हैं, और कंजेक्शन के रूप में हम WH वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। इफ और वेदर का प्रयोग करते हैं और कंजेक्शन के रूप में WH वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। इफ और वेदर का प्रयोग हम लोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसके लिए हम कंजेक्शन का प्रयोग करते हैं इफ या वेदर। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है उसके लिए हम कंजेक्शन का प्रयोग करते हैं WH वर्ड। ये हो गया कंजेक्शन चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जहाँ रिपोर्टिंग वर्ब की बात आती है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज की, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है? आस्क में बदला जाता है। और फिर देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? आस्क्ड में। और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए वी यूज इफ और वेदर एज अ कंजेक्शन। और जो वाक्य स्टार्ट होते हैं WH वर्ड से, सो एज अ कंजेक्शन वी यूज WH वर्ड्स। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल के द्वारा हम कल समझेंगे क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है,
और इसमें और क्या क्या रूल है ये हम कल देखेंगे। थैंक यू।